नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। टीकमगढ़ के कुड़ीला थाना प्रभारी नीतू सिंह धाकड़ ने एक ट्रक को जबरन कब्जे में लेकर उक्त वाहन को अवैध परिवहन के तहत जब्त कर लिया, जबकि आवेदक द्वारा थाना प्रभारी को अपने समस्त दस्तावेज दिखाए गए थे और समय सीमा के अंदर मौके पर वाहन का खड़ा होने का GPS भी गाड़ी में लगा हुआ प्रस्तुत किया। लेकिन थाना प्रभारी नीतू सिंह धाकड़ ने आवेदक की एक न सुनी और कहा वाहन अगर चाहिए तो 50,000 की रकम देनी पड़ेगी। आवेदक ने वाहन की रॉयल्टी समय सीमा ग्राम गोना करोला की खदान से रेत लोड कर और रॉयल्टी एवं टैक्स भरकर माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड इमली घाट तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ में खाली करने जा रही थी, लेकिन रात होने की वजह से रात भर मौके पर ही खड़ा रहा ट्रक। अधिकारियों ने उसे कब्जे में लेकर शासकीय कार्रवाई की, जिसका आवेदन आज कलेक्टर टीकमगढ़ को और खनिज विभाग को दिया, जिस पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये थी जावेद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है? हन्नान लोधी लड़वारी। कहाँ के? लड़वारी के। क्या हुआ? मैं रेत भर के जा रहा था गोना करवाला से, साइट पर पहुंच गया था मैं प्लांट पर, वहाँ पुलिस पहुंची है, खाली गाड़ी हुई थी मेरी, वहाँ से हम आ नहीं आए थे, सुबह धमकी वमकी दी है उनने, एक तमाचा भी मारा था, फिर वे थाने ले आए हमको, थाने से फिर उनने हम दस्तखत निकाल रहे थे कागजन पर, उनने की के दस्तखत करना अंदर साली मारूंगा, वहाँ नहीं मैंने कराया दस्तखत, क्योंकि वहाँ भी मार दिया था मेरे को, तो मैंने दस्तखत कर दिया है जगह, बस पेट पास था मेरी वाल्टी थी, सब लाए हैं, देखो जब वाल्टी भी है। देखो गाड़ी कहाँ है? गाड़ी थाने में रखी, कुड़िया थाने में। किसने की मार दी? जे दरोगा का नाम। क्यों, किस बात को लेकर मार दी? कोई मांग वगैरह थी? हाँ, 50,000 मांगाए थे, मैंने सेठ का फ़ोन लगाया था, तो सेठ ने मना कर दी, फिर उसने पकड़ ली गाड़ी और मारपीट के दबा गई। की बात है ये आज है वही 11:50 की बात, गाड़ी हमारी 12 रात के पहुँच गई थी अड्डा पर, जहाँ खाली होने थी वहाँ पहुँच गई थी। क्या नाम है भाई आपका? अशरफ रायन। कहाँ से आए? मैं यहीं टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ। क्या समस्या आपकी? समस्या सर ये है कि हमारी जो गाड़ी है गोना करोला खदान से भर के खरगापुर स्थित कुड़ीला प्लांट पे जाती है गाड़ी खाली होने के लिए, प्रतिदिन जाती है, डेली गाड़ी मेरी खाली होने की जाती थी, रॉयल्टी 12 रॉयल्टी भी रहती है गाड़ी में, सब कुछ रहता है, मैं GST के GPS भी लगा हुआ गाड़ी में मेरी, तो 26 को 9:24 पे गाड़ी मेरी वहाँ से निकली कुड़ीला के लिए और 12:25 पे कुड़ीला स्थित प्लांट पे पहुँच गई। अब चूँकि रात में गाड़ी खाली नहीं होती है, क्योंकि सुबह जब साहब लोग आते हैं और सैंपल पास होता है उसके बाद गाड़ी खाली होती है। क्या था गाड़ी? गाड़ी में रेत, तो सुबह जब साहब आए 10-11 के टाइम पे उन्होंने सैंपल चेक किया, चेक करने के बाद लेबर द्वारा गाड़ी खाली होना चालू हो गई। अब 12:20 पे कुड़ीला थाना प्रभारी नीतू सिंह धाकड़ आते हैं, मेरे ड्राइवर से रॉयल्टी के लिए बोलते हैं, मेरा ड्राइवर रॉयल्टी दिखाता है उन्हें और भी दस्तावेज जो मांगे उन्होंने सारे कुछ दिखा दिए, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती 50,000 रुपये की मांग की, लेकिन मेरे ड्राइवर ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास सारे कागज़ वैध थे, तो वैध गाड़ी को अवैध बताकर उन्होंने जब्ती बना दी 389 में। मैंने इसके बाद SP ऑफिस शिकायत की, SP ऑफिस में गया था कल, तो SP साहब ने जांच के आदेश दिए हैं और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या चाहते? सर हम तो निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं, मतलब जो भी जांच हो सही तरीके से जांच हो, ताकि मुझे न्याय मिल सके, क्योंकि मेरे पास सारे कागज़ वैध हैं, मेरे पास गाड़ी में GPS भी लगा हुआ है और मेरे पास गाड़ी में, मैं आपको कागज़ दिखा देता हूँ, टोल की पर्चियाँ भी हैं पूरा निकाल के, ये मेरा आवेदन है जो मैंने आवेदन दिया था, ये सर ये आवेदन, ये GPS की लोकेशन जिस टाइम पे गाड़ी पहुंच गई थी और 12 घंटे गाड़ी स्टॉपेज रही, देखिए आप 12 घंटे गाड़ी एक जगह पे स्टॉपेज रही, ठीक है, ये रॉयल्टी है गाड़ी की, ये GPS का लोकेशन है, ये आप देखिए कि 12 घंटे स्टॉपेज होने के बाद 12:53 पे कुड़ीला थाना प्रभारी आते हैं और गाड़ी ले जाते हैं कुड़ीला थाने में, सारे कागज़ वैध दिखाने के बावजूद भी, क्योंकि पैसे की मांग थी मैंने मना कर दिया था पैसे देने से, ये GST का बिल है रॉयल्टी का,
और ये जिस टोल से निकली थी गाड़ी उस टोल का पूरा एक वो है, देखिए आप इसमें फोटो सहित दिया गया है इसमें पूरा। बाकी सारे कागज़ मेरे पास वैध हैं, लेकिन उस सबको अवैध तरीके से बता के मेरी गाड़ी पे 379 की कार्रवाई कर दी गई। और अब जो है मानने को तैयार नहीं थे, पैसे मांग रहे थे, मैं पैसे देने में असमर्थ था, तो बस 379 कार्रवाई कर दी गाड़ी पे। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि इसमें जल्दी से जल्दी जांच के लिए बोला है उन्होंने। अब देखता हूँ 5 दिन तक, देखता हूँ कि जांच कितनी से कितनी जल्दी जांच होती है। 5 दिन के बाद अगर नहीं होगा तो मैं आईजी ऑफिस भी जाऊँगा, जाना पड़े तो मैं शिवराज सिंह चौहान तक जाऊँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाऊँगा अगर जाना पड़ेगा मुझे तो।